हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रव्या पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये देखिए जी, आज हम जा रहे थे अपने मामा जी के घर पर। हम पहुंच चुके थे, थोड़ी दूरी था मामा जी का घर, और यहाँ पर ये देखें, मेरी नानी जी बैठी हुई है तो हालचाल पूछ रही थी। ये मेरा और बच्चों का यहाँ पर बैठे हुए। ये देखिए जी, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मामा जी के घर पे। कितना बुलाया था। ये देखो कितना बदतमीज है, बिल्कुल केड़े लेकर आई। आजा दिखाऊंगी। हाँ, कितना बुलाया ना, वीडियो नहीं डालो, मगर नहीं डाल लूंगी। बता, मेरी नानी ने बुलाया, मारेंगे। केड़े आ जा, चल देखो। मतलब हम इनका होंगे, ठंडे की बोतल भी हम लाएंगे। सुन मेरी बात, फ्रिज में कद के रखे तेरे केड़े, तो इनका हाथ लगाए ठंडे है ना, बता हाथ लगा के। ठंडे तो नहीं है, जुट्टे बता रहा ठंडे है। चलो भाई, चलो भाई, ठंडा तो ले गो। हैं? ठंडा भी नहीं ले आऊंगी, तो तू एक काम कर, मैं चलू वापसी जिन पैरों से आई थी। ठीक हो? काम पर आए सवेरे आ गए। इस टाइम आ जाओ, अजय मैं फोन करूँ जब तुम ही कहो जाओ, मैं तो यहीं हूँ काम पे। झूठ बोल लो इसका मतलब। ये है मामा जी का पोता, ये देखो कल्लू का कलवा। ओ कल्लू, आजा कल्लू, खा जा। छोनी ऐसे दिखा दे बुआ जी को। बको ऐसे दिखा दे रे बुआ, इधर उस पे जा रहा, पड़ी पे घुमा कर लाई होगी। अच्छा, तो इसलिए रुक गया, ले मुझे तो उस पे नहीं गाया। अच्छा दिखा दे, नहीं गाया इसकी, जैसे घुमाओ बस उस पे जाकर। ये पता नहीं क्या मोनी से लगा रखी। ये देखिए जी, है मेरी मामी जी। और तुझे मैं। ये देखिए जी, हम सभी बैठकर एक साथ नाश्ता कर रहे थे यहाँ पर, मौसी जी और बच्चे और मैं, क्योंकि मामी जी अभी खेत में से आई थी ना, तो मामी जी ऐसी लग रही थी हरी थकी सी। लंच बॉक्स खाली है, खाना नहीं है। हाँ, क्या करना इसके लिए? मैंने मारते हैं मारो। सब बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं। ये देख, क्या देख रही? किसकी? देखो देखो, ये देखो, ये मेरी मौसी मेरी वीडियो देखती रहे। अरे तुम भगाना चाह रहे हो मुझे, जब हम बिना बुलाओ आ गई तो उनने मम्मा को रोटी नहीं दिए बना के, फिर भी नु गैस में लंच बॉक्स में। हां ये टेबल ना हुआ, लगा नहीं आपके माथे। हां लगाते तो खाली बोलेगा। तो ये कोमल झूठ बोल रही है। बनाएंगे आज ना खाना सुबह। मैं सुबह के 5 बजे घर से निकल आऊंगा। बीड़ी पीना मना है, धूम्रपान वर्जित है। क्या मजबूरी? क्या बताओ, क्या मजबूरी है? कुछ नहीं मजबूरी, मजबूरी होती क्या? साल के पीन लगे थे बीड़ी। मान लो जब तुमने डॉक्टरी सीखी होगी, जब भी तुमने बीड़ी सीख ली होगी। देखे जी कर्तव्य दिखा रहा है, ये मेरी मौसी का लड़का है। और ये देखो, ये कुंगड़ी पर धर का अपनी चरखी को घुमा के दिखा रहा है। ये देखियो, बद्दी होगा तो नहीं चाहिए तू। पूरे करता हुआ बैठे तेरे में तो। क्या कह रहे? मैंने बताया बेटे, मारे जाकर तो ताते ने काम करना। अच्छा, एक तेल मारा लसन साफ कर दे। अच्छा, फटका मार के
मतलब प्याज का क्या साफ करना हुआ है? प्याज में गंद हो रही है, सड़ी हुई प्याज निकालनी। ओ गॉड। चल भाई देवांश, एक तू भी मामा का आ रहा, मैं भी मामा का आ रही है। मामा ने बता दिया काम, तो दोनों बहन भाई मिलकर करते हैं। नहीं तो भाई रोटी मिलने की बताए, मामा काम करवा के रोटी देवे, बिना काम करवाओ नहीं देते हैं। मैं जाकर तो करे मामा को जाकर काम, तो भी अपने मामा का करते होंगे ना, तो तू अपने मामा कर ले। ठीक काकू, देखेंगे करे माता से चढ़ा के देख। ये भी ज्यादा ही है तो फौजी कटिंग करवा ले नानी। नहीं आने के तो टूट रहा। हाँ अब बजेगा परी का। राम राम भाई। ये देखिए जी कितना प्यारा बच्चा है यो गाय का। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। देखिए जी शाम के 4 बज चुके हैं और उठ के अब जो कोलगेट हो रहा है, देखो पूरी रात सोई और पूरा दिन हो गया, अब 4 बजे उठी, 24 घंटे की नींद लेती है ये लड़की। और ये लड़की हेलो वो मां पूछो लड़की क्या कर रही है स्कूल में, क्या कर रही नन्नी लड़की बतावन सही इंग्लिश में बोल लो थोड़ी सी इंग्लिश में। लसन साफ करने के बाद चाय पी जा रही है ये, देखो दस्ती तरीके से टिफिन भर भर के, और स्टैंडर्ड लोग तो कप में पिए और 2 घूंट पिया नहीं, देखो टिफिन भर भर का चल रही चाय। क्यों मामा जी दूध में पत्ती लग रही है तो लगी दिख रही चाय, देखो है ना देवान। मम्मा का माले पियो और ना कर रहा। मम्मी चाय पी रहा है। मम्मा का माले पियो। हाँ बिल्कुल पियेंगे देवान, मम्मा का माले पियो। मैं क्यों उड़ा उड़ा, अरे मेरे मम्मा का माल पी रही बता। मुझे क्या सिर्फ मम्मा के माल पे, तू अपने मम्मा के माल पर आता था। ये देखियो जी मैं आई हुई थी अपने मामा जी के घर पे, और यहाँ पर सभी पंचायत बैठी हुई है, गर्मियों की पंचायत है क्योंकि सर्दियों में तो कोई बैठता नहीं बाहर, क्योंकि खुली हवा लगा है आसमान की, तो इसीलिए गर्मियों की पंचायत है। ये देखो ये धन में नानी जी बैठी हुई है, और ये मेरा भाई है वंश, और ये परी को तो आप जानते ही हो, ये लेट की देखो खाट के नीचे, और इधर देवांश, देवांश बड़ा नटखट था छोटा सा, अब बड़ा होकर खैर थोड़ा सुधर गया। सुधरा नहीं, क्यों नहीं सुधरा? यह अमृता कह रही कि सुधरा नहीं। चलो चलते हैं उधर बड़े मामा की तरफ, है मौसी चलो आओ। बड़े मामा का नहीं वहाँ चले, कल जा कल गए थे संडे में चले। रास्ते को आना और रास्ते को जाना, और नाश्ता लेके इधर को आना, ठीक है? आई घर चलो, मम्मी बुला रही। घर चलो अब तो कुछ कहिए, फिर ठंडा लेने चलेगा ठंडा। अब तो वैसे भी नहीं बोलने का अमित का है ना। हेलो दोस्तों, तो ये मेरे छोटे वाले मामा जी का घर है, और ये इनका मेन गेट है, और मैं करवाऊंगी आज अपने मामा के घर का टूर आपको, और ये मेन गेट से घुसने के बाद इधर बैठा के आइए। और इधर जिन्ना है, जिन्ने के पास में यहाँ पे किचन है ये, और किचन के बाद आ गया बरामदा, बरामदे में इधर ही एक कमरा है, और फिर एक कमरा ये है, अंदर से भी दिखाऊंगी आपको, 2 कमरे है और बरामदे में एक इधर है कमरा, और एक इधर देख सको ये सो का उठ का आया, किस टाइम सोते हैं ये लोग देखो, ये हैं गांव के रहने वाले, ये हैं कस्बे के रहने वाले, देखो किस टाइम सोते हैं। ये हमेशा मेरा गोत्र से ही पुकारते हैं शुरू से ही, जब मैं इतनी सी थी तब भी, इनके बड़े भी मुझे मेरे गोत्र से पुकारे,
मेरे नाम से नहीं पुकारते, ये पता नहीं क्या दिक्कत है ना नाम लेने का। बड़ा लड़का है, समय थोड़ी देर पहले मिलवाया था, उसका एक काम है बच्चों को रुवाने का। कौन है वहाँ किस्ता मिलने जो हमें देख रहे हैं? कहाँ देख रहे? लाइव थोड़े चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा, जब वीडियो डालेगा उनकी समझ में आ जाएगा। अरे कमेंट करके पूछेंगे ये कौन है, मैंने वो बता दिया तू कौन है, है नहीं? और ये देखो जी, ये इसका बेड है, और दहेज में देखो ऐसा कितना सामान मिला हुआ है, और सारा VIP सामान मिला हुआ है। अरे मुंह ढक गया, कुछ नहीं दिख रहा क्या? लड़के को नीचे गिर रहा है सर, अभी अभी बड़ा देर है, हम लड़का है बीच में पड़ी हुआ। हाँ अच्छा ना, बीच में करी किनारे बैठी, सॉरी मैंने अच्छा गिरने वाला मेरी चुन्नी सा पसीना पूछ रहा है। यहाँ बैठ चल, जोड़ा बताऊंगी मैं। ये देखो कैसा जोड़ा लगा भाई भाभी का। ये देखो गया, मैंने तो बीच में करी। बच्चों को पीट लगा डिप्लोमा ले रखा क्या है? बच्चों को पीट लगा डिप्लोमा, टैंक धोवागा चल तो। ये देखिए टैंक साफ करने का तरीका, इसमें अंदर घुस। तरीका देख रहे अलग अटका हुआ है, पता है तुम्हें क्या? क्या प्लम्बर तू है? मैं थोड़े हूँ धो धो टैंक दो, बीमारी फैल ली। साफ सफाई का ध्यान रखो। हाँ साफ सफाई, वो छोटा सा वो ये देखियो गिलास में क्या है, इसमें इतने कीटाणु हो रहे हैं, वो इधर धोए भी नहीं। मुंह का क्या नाम है इसका? अभिराज है, लगाए हो अभिराज ऐसा गुड्डा हो पहला अगर थे मैं तेरे से गुड्डे में गिलास भी पड़ा दो ना। छत से नीचे ही तार दिया बिल्कुल, ये टैंक नू पता नहीं क्या करने वाले, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। तो प्लम्बर था मैं, प्लम्बर तू ही है? चलो देखते हैं, धुलाई सेंटर पे भी हम भी चलेंगे। मैं बड़े मामा की तरफ जा रही है, ये रहा टैंक धुलाई सेंटर, जिसको टैंक धुलवाना हो यहाँ पर आ जाओ। अंदर कौन है देवान बेटा? नहीं टैंक में ना घुसे परी। ए मटको चल थारे घर चल ले। अब जा रही मैं बड़े मामा की तरफ। ये देखिए जी मैं केले लेकर जा रही हूँ अपने बड़े मामा जी की तरफ, और ये मेरे बड़े मामा जी का मकान है, और इधर छोटे मामा जी का है। ये देखो बाहर का फ्रंट कितना अच्छा लग रहा। टैंक भी लगा दिया हमने, उसकी वीडियो नहीं बनाई। आहा लगा दिया, ये देखिए जी माई थी बड़े मामा जी की तरफ। ये मेरी बड़ी भाभी जी है, ये बर्तन साफ कर रही, और एक छोटा वाली भाभी से मिलवाऊंगी, आ जाओ टी बना रही। ये देखिए यहाँ पर हम बड़े मामा जी की तरफ नाश्ता कर रहे थे, और कुछ चीज़ बना रहे थे। अलग मकान बना रखा अभी बनाया है, जब ये मकान बनना था ना, जब आई थी मैं तो जब तो अधूरा ही हो रहा था, मतलब चिनाई लग रही थी, ये भी आधी आधी थी दीवारें, और वैसे तो मकान खड़ा तो हो गया, लेकिन बस अभी बहुत काम है, प्लास्टर फर्श गेट खिड़कियां सभी रह रहे हैं। कोई बात नहीं माई के, मैं तो सब ऐसे ही रहा है। ये देख लो जी मेरी मौसी जी पे भी दूध निकालना आ रहा है, आज पता लगा पता चला। ये हमारी गाय है, ये हमारी बुआ दूध निकाल ली, सासू का ज्यादा सारे काम सीखने पड़ेंगे। अच्छा दूध भी निकालना पड़ेगा, गुस्से भी लगाने पड़ेंगे, वास भी गिराना पड़ेगा, तो बड़ा जुलम होगा। तो अच्छे घरों में शादी नहीं करी हुआ भी? अच्छे घरों में तो हो रही, अच्छे घरों में ये तो बेहतर है, दूध निकले प्योर दूध मिले। अच्छा हाँ यह बात तो सही है, तो आप उसे तो ठीक किया उन्होंने, आप सहमत हो वैसे गाँव में शादी करवा के? ये देखियो जी अट्टे में डल गई है इनो, कितने पैकेट डल लेगी? तीन पैकेट, दो किलो अट्टे में तीन पैकेट इनो के, और अब इसमें मिक्स कर दी है इनो। ये देखिए जी इसमें कर दिया है मिक्स रिफाइंड, देखिए जी इनो और रिफाइंड मिक्स कर दिया है अट्टे में,
यो भटूरो काटा तैयार हो रहा, चल भटूरे गई है देख, मेरी साथ तेरी भी दावत लगेगी आज। ये देखियो जी भटूरा काटा तैयार हो चुका है, करीब करीब थोड़ा बहुत ही रह रहा है। कोमल चढ़ चुकी है और कढ़ाई में छोड़ दिया रिफाइंड। अब कोमल बनाएगी भटूरे। खान वालों की जीव लप लप आ रही है, देखो छत पे देख रहे चढ़ के। अरे रहने दो, ये देखे जी कान्हा जी का खाना लेने आ गई शिवांशी। ये देखे जी सभी बच्चों की हो गई पार्टी छोले भटूरों की। अंदर भगवान जी ने भी कर दी, कान्हा जी ने। कान्हा जी को भी लगा दे, वो कहाँ है कान्हा जी? चलो कान्हा जी से मिलते हैं। ये जी राधे राधे कान्हा जी। कान्हा जी ने भी भोजन कर लिया है। छोले भटूरे आ रहे थे बहुत अच्छे। सबसे पहले तो कान्हा जी ने किया, उसके बाद फिर बच्चों ने किया, ये देख सकते हैं आप। रात के बजे आया 10 और हम चल दिए अब अपने 9 बजे घर। 9 बजे चल, 9 बज रहे होंगे। गुड नाइट।